हाँ जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू गुड इवनिंग एवरी सभी को गुड इवनिंग तो सबसे पहले तो देखो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ क्लास को फटाफट से शेयर कर दो सभी बच्चे उसके बाद अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि देखो ये जो टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये टेस्ट हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ठीक है अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ डिटेल में आपको ऐप डाउनलोड करनी है अरोड़ा क्लासेस की ऐप को ठीक है और जब आप यहाँ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें एक टेस्ट बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है और ज्वाइन करने के बाद जो टेस्ट होता है उसकी डिस्कशन क्लास भी आपको मिलती है इसमें एक टेस्ट नहीं होता कि सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट होगा इसके अंदर टोटल आठ टेस्ट होते हैं जिसमें इंग्लिश भी होता है मैथ्स भी होता है रीजनिंग भी होता है सारे के सारे टेस्ट आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ठीक है और हर टेस्ट के साथ उसकी डिस्कशन क्लास भी मिलती है सबसे इम्पोर्टेंट बात ठीक है भाई डिस्कशन क्लास भी आपको मिलती है सब की सब की क्लासों की ठीक है अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आपको डाउनलोड करनी है कौन सी माई इंस्टीट्यूट ऐप और उसके बाद आपको ओ कोड लगाना है कौन सा ए तो आपके मोबाइल में वो ऐप चल जाएगी वहां पर आप टेस्ट दे सकते हो ठीक है और एक बहुत ही खुशखबरी आप सभी के लिए ये है कि बेटा अगर आप ऑफलाइन कोर्स यहाँ पे आके करना चाहते हो तो सबसे कम फीस पहली बार पूरे बठिंडा में सबसे कम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ फाइव थाउजेंड रुपीज़ के अंदर सिर्फ पाँच हज़ार में ऑफलाइन बैच और दो हज़ार में ऑनलाइन बैच आप ले सकते हो ठीक है अगर आपको कोई भी रिश्तेदार भाई बहन किसी ने भी ऑफलाइन कोचिंग करने यहाँ आके हमारे पास पढ़ना चाहता है तो सिर्फ पाँच हज़ार रुपये और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहता है सिर्फ दो हज़ार ये फीस बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस है मतलब तो सबसे कम कह सकते हो ठीक है बेटा तो चलते हैं भाई अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरीज है तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप इससे रिगार्डिंग हमें पूछ सकते हैं तो चलो फिर आज के टेस्ट को शुरू करते हैं तो बेटा आज का जो टेस्ट है डेली फॉर्मेट आपको बताइए टेस्ट का कि इसके अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं चाहे वो वोकेबलरी सेक्शन हो या फिर हमारा ग्रामर सेक्शन हो ठीक है तो सबसे पहले जो दो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें बताना था सिमिलर वर्ड क्या बताना था सिमिलर वर्ड बताना था लेकिन बेटा मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से है देखो अगर मैंने आपको कल भी कहा था आज फिर से कह रहा हूँ क्लास अच्छी लगती है आपको लगता है कि इस क्लास से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है कोई चार बातें आपको सीखने को मिल रही हैं तो आप क्लास को शेयर कर दिया करो ठीक है बिना कहे शेयर कर दिया करो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे जहाँ भी आप कनेक्टेड हैं किसी के साथ भी तो आप सभी जगह पे शेयर कर दिया करो और क्लास अच्छी लगे तो लाइक वाला बटन भी दबा दिया करो ठीक है अच्छी नहीं लगे तो अलग बात है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं इज योर चॉइस ठीक है है चलिए तो पहला वर्ड आज की क्लास में है हमारा सक्सेसिव सक्सेसिव अब देखो ये जो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है सक्सेसिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है तो बेटा सक्सेसिव वर्ड का मतलब होता है फॉलोइंग इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर क्या बोला मैंने फॉलोइंग इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर ठीक है जब कोई चीज एक चीज के बाद आती है फॉलोइंग इमीडिएटली इमीडिएटली का मतलब तुरंत बाद में अगर कोई चीज आती है वन आफ्टर द अदर एक के बाद दूसरी आ जाए ठीक है तो उसे हम सक्सेसिव बोलते हैं वन आफ्टर अदर ठीक है अब देखो जैसे आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में आपने सक्सेसिव वर्ड का यूज पढ़ा होगा कि जैसे अकबर आया अकबर के बाद जहांगीर आया फिर ऐसे वैसे करके आपने पढ़ा ना उसके बाद ये आया उसके बाद ये आया तो लगातार क्रम में सिक्वेंस के अंदर जो चीजें चलती हैं एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक उस चीज को क्या बोलते हैं सक्सेसिव अब इसके ऑप्शंस पे अगर थोड़ी सी नजर डालें तो ऑप्शन में पहला लिखा है रैपिड रैपिड का मतलब होता है फास्ट रैपिड का मतलब होता है फास्ट यानी कि तेज विक्टोरियस जो वर्ड है ये बना ही किससे है विक्ट्री से बना है विक्टोरियस वर्ड वटा किससे बना है विक्ट्री यानी जीत हासिल करना किसी पर ठीक है बेनिफिशिएंट बेनिफिशिएंट वर्ड बेनिफिशियल कह लो इट मींस प्रॉफिटेबल इट मींस प्रॉफिटेबल जो आपको फायदा पहुंचाती है ठीक है और कंसेक्यूटिव का मतलब वही होता है जो हमने किसका पढ़ा सक्सेसिव का मीनिंग पढ़ा तो सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार आता जाए उसे सक्सेसिव कहते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर जो आप करेंगे वो करेंगे कंसेक्यूटिव ठीक है जो बच्चे पहले जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो ये मान लो कि आपके सामने अभी ऑनलाइन टेस्ट ही चल रहा है और जब भी आप कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और जिन बच्चों ने टेस्ट दे रखा है पहले से भाई ठीक है वो लोग क्या करेंगे वो लोग अपने आंसर को चेक करेंगे कि जो आपने आंसर दिया था वो गलत है या सही है सत श्रीकाल बेटा गुरजीत सिंह ठीक है तो पढ़ने पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा इल्यूट अब ये बेटा इल्यूट का मीनिंग क्या होता है इल्यूट का मतलब होता है अगर आप कहीं से बच भाग जाते हैं अगर आप कहीं से बच भाग जाते हैं इट मीन्स इल्यूड उसे कहा जाता है अगर मान लो कोई कैदी है कोई प्रिजनर है कोई जेल जेल में बंद है अगर वो जेल तोड़कर भाग जाए ठीक है अगर कोई दुश्मनों ने किसी को किडनैप कर लिया है ठीक है और वो किडनैप से छूट कर भाग जाए इट मीन्स इसको बोलते हैं इल्यूट बचकर भागना ठीक है भाई सत निशा तो अब इसके ऑप्शंस की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन आता है एनकाउंटर अब आपने सुना होगा कि पुलिस वालों ने किसी का एनकाउंटर कर दिया अब हम समझते हैं एनकाउंटर का मतलब किसी को मार दिया अरे नहीं बेटा मारना नहीं होता है एनकाउंटर का मीनिंग क्या होता है एनकाउंटर का मतलब होता है जब आपस में आप एक दूसरे से मिल जाते हैं सडनली अचानक इधर से पुलिस आ गई इधर से चोर आ गया दोनों आपस एक जगह मिल गए एनकाउंटर हो गया ठीक है एनकाउंटर का मतलब मारना नहीं होता एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना सडनली आप किसी से मिल गए अचानक आप किसी से मिल गए तो उसे बोलते हैं एनकाउंटर इसके लिए मुझे बहुत प्यारी सी एक फ्रेजल वर्ब याद आ रही है कई बार आपने पढ़ा होगा कम एक्रॉस क्या पढ़ा होगा कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात होना या कई बार ये हमें इस तरीके से भी लिखी मिल जाती है रन एक्रोस इसका मतलब भी क्या होता है अचानक किसी से मुलाकात होना ठीक है भाई अचानक किसी से मुलाकात होना इट मीन्स एनकाउंटर या फिर कैम एक्रोस रन एक्रोस कह सकते हो एक्जेल अब एक बच्चे ने इसका आंसर दिया एक्जेल बेटा आपने अगर कभी साइंस पढ़ी है देखो मैं हर बात को किसी बात से कनेक्ट करके क्यों पढ़ाता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वर्ड कहाँ से आया है इस वर्ड का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं ठीक है, है ना ऐसा नहीं है कि रट्टे मारे जाओ ठीक है भाई ठीक है सर वो कैब हो रही है बढ़िया चल रहा है सब कुछ ओके नहीं एक्जेल हम पढ़ते हैं जब बेटा साइंस हम पढ़ते हैं तो साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं रेस्परेटरी सिस्टम श्वास जो हमारा सांस जो हमारा चलता है इस सिस्टम को रेस्परेटरी सिस्टम कहते हैं अब सांस जब आप अंदर लेते हैं सुबह सुबह बाबा जी आते हैं योगा करवाने के लिए बाबा रामदेव जी आते हैं वो कहते हैं सांस अंदर खींचो तो सांस अंदर खींचना इनहेल कहलाता है इनहेल ठीक है भाई इनहेल अंदर ले जाए और एग्जेल का मतलब सांस को बाहर छोड़ना होता है तो भाई इसका तो कोई बचकर निकलने से कोई मतलब है ताल्लुकात ही नहीं है तो एग्जेल का मतलब होता है जब आप अपनी सांस को बाहर छोड़ते हो इट मीन्स एग्जेल होता है उसके बाद अगर बात करें शन तो भाई ये शन जो होता है इसका मतलब होता है बचकर भागना इसका मीनिंग होता है बचकर भागना और उस्ट का मतलब होता है अगर आप किसी को बाहर निकाल दो देखो एक तो हमने क्या कहा कि सांस बाहर निकालना एक मान लो कोई क्लास में मेरी बदतमीजी करे और कर बाहर भाग जाओ यहां कोई जरूरत नहीं है तेरी ठीक है मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को क्लास से निकाल भी देता हूं अक्सर इसके लिए मैं बहुत फेमस भी हूं ठीक है तो बाहर निकालना जो होता है वो होता है आउस्ट ओ यू एस टी ठीक है और सांस बाहर निकाल रहे हो तो क्या हो गया एक्जेल हो गया तो मैंने आपसे पूछा था इल्यूड का सिमिलर वर्ड तो बेटा इल्यूड का सिमिलर वर्ड क्या होगा शन हो जाएगा बोलो भाई दोनों क्वेश्चन समझ आ गए सभी बच्चों को अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ आ गए बेटा और अगर समझ आ रहे हैं क्लास अच्छी लग रही है तो इधर आपके देखो एक बटन बना हुआ है ऐसे वाला तो उसको ऐसे कर दो ठीक है जल्दी से ऐसे वाले को ऐसे कर दो तो मुझे अच्छा लगेगा और अगर शेयर भी कर दोगे संख्या बढ़ा दोगे क्लास के अंदर तो और भी मजा आएगा और देखो जितनी ज्यादा संख्या होगी मेरा पढ़ाने का मूड उतना ज्यादा अच्छा हो जाता है ठीक है और आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो शेयर कर दो फटाफट से क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा मैं अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ मेरा स्टेमिना बढ़ जाता है देखो लाइक और शेयर देख के मेरा स्टेमिना बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली ठीक है चलो कोई बात नहीं आपकी मर्जी है कर देना अगर अच्छा लगे तो अगला वर्ड है कैमेरिडरी कैमेरिड्री इसको बोलना सीखें क्या लिखा है कैमेरिडरी अब कैमेरिड्री का मतलब क्या होता है ठीक है भाई कैमेरिड्री का मतलब क्या होता है दीपिका सिंगला कह रही हैं कि थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा बेटा मेरी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आप अपने फ़ोन के अंदर रेजोल्यूशन जो है उसको थोड़ा सा सेट कर लो ठीक है भाई निशा बेटा क्लास का टाइम्स नौ बजकर दस मिनट पर मेरी क्लास स्टार्ट होती है नौ बजकर दस मिनट पर ठीक है अभी नौ बजकर बीस मिनट हो चुके हैं चलिए कैमेरिडरी का मीनिंग क्या होता है इस पर बात कर रहे थे तो बेटा कैमेरिटरी का मतलब होता है आपस में भाईचारा ठीक है भाई हम हमेशा कहते हैं कि आपस में भाईचारा बना रहे अब भाईचारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाईचारे को इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रदरहुड क्या कहते हैं हम इसे ब्रदरहुड ठीक है ब्रदरहुड होता है या आप इसे फेलोशिप कह सकते हैं क्या कह सकते हो फेलोशिप कह सकते हो या इसी के लिए हम एक वर्ड कह सकते हैं कंपेनियनशिप क्या कह सकते हैं कंपेनियनशिप ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए ये भी इसका सिमिलर वर्ड हो गया लेकिन हमें तीन और चार नंबर क्वेश्चन में सिमिलर नहीं बताना बच्चे तीन और चार नंबर क्वेश्चन में हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है है ना तो ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा कंपेनियनशिप तो इसका सिमिलर वर्ड हो गया इंटीमेसी इंटीमेसी का मतलब होता है जब आपस में आप दूस, एक दूसरे का लगाव आपका बहुत ज्यादा होता है तो उसे इंटीमेसी कहते हैं ठीक है बच्चे अगला वर्ड है डेस्पिरेशन डेस्पिरेशन होती है सैडनेस डेस्पेरेशन का मतलब होता है सैडनेस जब आपको निराशा हो जाए दुख हो जाए तो उसे बोलते हैं डेस्पेरेशन ठीक है भाई गुड इवनिंग मनीष बेटा और इनेमिटी का मतलब होता है शत्रुता क्या होती है इनामिटी शत्रुता अब देखो मैं कह रहा हूं कि आपस में हमारा क्या है भाईचारा है है ना भाई हमारा आपस में भाईचारा है तो इसका ओपोजिट मीनिंग क्या आएगा तो इसका ओपोजिट मीनिंग आ जाएगा क्या चीज इनैमिटी क्या आंसर आएगा इसका इनमिटी बोलो बात समझ आई सभी को ठीक है बच्चे क्या आ जाएगा Inamity इसका right answer हो जाएगा। फटाफट से शेयर कर दो लाइक कर दो वीडियो को ठीक है बार-बार कहना ना पड़े आप सभी को अगला वर्ड है हमारे पास कैलो सी ए डबल एल ओ डब्ल्यू कैलो कैलो का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड ठीक है अनएक्सपीरियंस्ड तो देखो अनएक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ जिसको किसी चीज का एक्सपीरियंस ना हो ठीक है अब देखो हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है अब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो भाई मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का मैं पेपर देखता हूँ कि कैसे पेपर आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन चीज़ों को रिसर्च कर, कर मैं आपके सामने लेकर आता हूँ कि बेटा आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको ये लेवल पूछा जा सकता है आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये होता है एक्सपीरियंस ठीक है कैलो का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस जिसको एक्सपीरियंस ना हो अनुभवहीन होता है वो अनएक्सपीरियंस्ड ठीक है तो एक्सपीरियंस इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा ये तो पहले ही हमें आंसर मिल गया देखो यहां पे अब अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो नेव का मतलब होता है जो नया-नया काम सीखता है वेरी वी डब्ल्यू ए आर वाई वेरी का मतलब होता है अलर्ट होना वेरी का मतलब होता है अलर्ट होना या इसे हम कॉशियस भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कॉशियस सतर्क रहे सावधान रहें ठीक है आती है ना वो एक दाढ़ी वाला बंदा सा आता है गौर से देखिए इस इंसान को ठीक है तो क्या रहे और एक आपका वो आता है क्या कहते हैं उसके सावधान इंडिया तो उसमें वो हमेशा एक लाइन बोलता है लास्ट में सतर्क रहे सावधान रहे तो सतर्क होना क्या कहलाता है वेरी डब्ल्यू ए आर वाई ओके और लास्ट वर्ड है हमारा नैगिंग एन ए डबल जी आई एन जी अब देखो नैगिंग का मतलब क्या होता है जब आपका बिहेवियर किसी को लेकर कैसा हो जाता है इरिटेट हो जाता है जब आप कई बार किसी चीज से इरिटेट हो जाते हैं है ना कई बार हम किसी चीज से क्या हो जाते हैं इरिटेट हो जाते हैं तो उस इरिटेशन को क्या कहते हैं नैगिंग कहते हैं <coughs> क्या हो गया भाई ठीक है भाई इसको आप लिख सकते हैं इरिटेट इरिटेशन कह सकते हो इरिटेट कह सकते हो तो ये देखो चार क्वेश्चन हमने सोल्व किया अभी अभी सक्सेसिव का मतलब बताया कि फॉलोइंग इमीडिएटली वन आफ्टर अदर इल्यूड का मतलब कहीं से बचकर भागना कैमेरिटी का मतलब होता है ब्रदरहुड फेलोशिप कैलो का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस पर्सन ठीक है भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है नंबर फाइव हमारे पास और नंबर सिक्स हमारे पास जिसमें हमें बताना था वन वर्ड अब देखो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है भाई साहब अन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी हमें उम्मीद ना हो ठीक है और क्या मिल जाए अचानक से गुड फॉर्चून मतलब कोई अच्छी चीज हमारे साथ हो जाए अचानक से ठीक है अब देखो कई बार आपकी लॉटरी लग जाती है रातों रात आप करोड़पति लखपति बन जाते हैं ठीक है अच्छा काम हुआ आपके साथ कई बार रातों रात आपको प्रमोशन मिल जाता है कई बार रातों रात आपकी नौकरी लग जाएगी एक दिन ऐसे ही रात को रिजल्ट आएगा और आपको पता लगेगा कि आप नौकरी लग चुके हो ठीक है तो कुछ चीजें तो एक्सपेक्टेड होती हैं जैसे मान लो अब रिजल्ट आएगा ये चीज हमें एक्सपेक्टेड है कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा कई बार क्या होता है कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं जो हमें उम्मीद नहीं होती और हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं तो उन चीजों को क्या कहते हैं उसे कहते हैं विंडफॉल क्या कहते हैं उससे बच्चे ंडफ फॉल अचानक से कोई लाभ आपको मिल जाए कोई बेनिफिट आपको हो जाए उसे कहते हैं विंडफॉल तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा निकिता ऑप्शन ए आएगा फिलान क्या होता है ये बहुत बार वर्ड में आपको पढ़ा चुका हूं इसकी फॉर्मेशन भी बता चुका हूं कि बेटा फाइल वर्ड जो होता है फाइल इसका मतलब होता है लव क्या होता है इसका मतलब लव और थ्रॉफी जो वर्ड है थ्रॉफी थ्रॉफी वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल यानी पर्सन तो कोई भी इंसान अगर किसी पर्सन से प्यार करता है तो वो होता है फिलॉन्थ्रॉफी बेनावेलेंस का मतलब काइंड नेचर होता है काइंडनेस दिखाना किसी के प्रति काइंडनेस ठीक है उसे बेनावलेंस कहते हैं और टर्न स्टाइल क्या होता है टर्न स्टाइल के बारे में आपको मैं बताता हूँ देखो ध्यान से देखना कभी आप पार्क में गए हो पार्क में गए हो ना पार्क में पार्क का जो एंट्री गेट होता है कई बार यहाँ पे एक ऐसा गेट लगा होता है जिसको ऐसे घुमाते हैं और घुमाने पर क्या होता है एक रास्ता बन जाता है वहां से आप एंटर हो जाते हो गए हो कभी पार्क में बेटा देखा है आपने ऐसी चीजें एक छोटा सा गेट होता है उसको ऐसे घुमा के उसके अंदर एंटर होते हैं अपने होते हैं ना तो वो घूमता रहता है जैसे जैसे अंदर जाते हैं लोग उसको घुमा के और अंदर चले जाते हैं ठीक है तो उस गेट को क्या कहते हैं टर्न स्टाइल कहते हैं उस गेट को क्या बोलते हैं टर्न स्टाइल एक छोटा सा गेट जो लगा होता है पार्क वगैरह में अक्सर देखते हैं अपने उसे बोलते हैं टर्न स्टाइल अगला क्वेश्चन है हमारे पास एन एमोल्यूमेंट ओवर एंड अब फिक्स इनकम और सैलरी देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एमोल्यूमेंट पहले तो इसका मीनिंग बता दू मैं आपको क्या होता है इसका मतलब होता है प्रिशार्मिक अब आप कहोगे सर इतनी हिंदी तो हमें आती नहीं है कि प्रिशार्मिक का मतलब हम बता लगे तो प्रिशार्मिक का मतलब क्या होता है बेटा कि जब कोई काम के बदले आपको पैसे दिए जाते हैं जब किसी काम के बदले आपको पैसे दिए जाते हैं उसको प्रिशार्मिक बोलते हैं उसको वेतन बोलते हैं उसको सैलरी बोलते हैं ठीक है भाई

और इन दोनों का मतलब होता है स्पेशल राइट right. क्या होता है इन दोनों का मतलब स्पेशल राइट अक्सर क्या होता है किसी डिपार्टमेंट में जब आप काम करते हैं तो कई बार हमें कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं जिसे हम कहते हैं विशेष अधिकार बिल्कुल सुमन शर्मा मेहनताना बिल्कुल सही आपकी बात ठीक है विशेष अधिकार दिए जाते हैं कुछ स्पेशल राइट right हमें दिए जाते हैं तो उन स्पेशल राइट्स को हम प्री रिक्वेस्ट कह सकते हो सॉरी प्रीक्विइट कह सकते हो या कह सकते हो ये दोनों एक ही मतलब होते हैं ओके ओके और इसका आंसर जो हमने किया 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 वो क्या किया? और किया, ओके बच्चे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं छ क्वेश्चन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट जो थे ये हमारे वन वर्ड के क्वेश्चन थे और वन वर्ड में पहला वन वर्ड हमसे पूछा गया है साल्ट ऑफ द अर्थ इसका हमें ईडीएम का मतलब बताना था एडीएम थे सॉरी वन वन वर्ड वर्ड नहीं था तो हम पढ़ चुके हैं <coughs> क्या पूछा गया हमसे एम पूछा गया हमसे साल्ट ऑफ द अर्थ अब ये साल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग क्या होता है तो देखिए क्या इसका मतलब गुड ऑनेस्ट एंड आइडियल होता है क्या इसका मतलब कॉस्टली गिफ्ट होता है क्या इसका मतलब ब्यूटीफुल थिंग होता है या इसका मतलब कॉस्टली और यूजलेस पोजेशन होता है देखो ईडीएम कभी भी हम पढ़ते हैं तो ईडीएम के अंदर जो शब्द लिखे हैं उन्हीं से अर्थ निकाला जाता है ठीक है ना ईडीएम में जो शब्द हमें दिए हैं उन्हीं से अर्थ निकाला जाता है अब अगर मैं साल्ट की बात करूं तो क्या साल्ट कॉस्टली चीज को कह सकते हो क्या साल्ट का एग्जाम्पल हम किसी कॉस्टली चीज के लिए लगा सकते हैं आपको कि सर नहीं क्योंकि साल्ट जो है वो कॉस्टली नहीं होता आपको पता है आप डेली रूटीन लाइफ के अंदर साल्ट यूज करते हो तो सबसे सस्ता ही नमक आता है सबसे सस्ता ही नमक आता है मिर्च से सस्ता हल्दी से सस्ता सब्जी से भी सस्ता नमक मिलता है तो नमक कॉस्टली चीज तो हो नहीं सकती तो इसलिए कॉस्टली वाला ऑप्शन तो हटा दो ये कॉस्टली ये भी कॉस्टली दोनों हटा दो क्या साल्ट कोई ब्यूटीफुल थिंग के लिए यूज करते हैं ना जीना तो ये भी हटा दो अगर मैं शब्दों से देखूं तो ये तीनों आंसर गलत हैं तो राइट आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन आएगा ठीक है अब आप कहोगे सर साल्ट का गुड से ऑनेस्ट से क्या लेना देना

तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन आएगा एडियम बनती है ऐसी है बेटा एडियम को शब्दों से ही याद कर दिया जाता है ऐसा नहीं है कि इसको आप रट्टा मारते घूमो कि सर इसका मतलब ये होता उसका मतलब वो होता है ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता अगला देख लो क्वेश्चन अब अगले क्वेश्चन के अंदर भी आपको आंसर तुरंत से पता लग जाएगा अगर आप शब्द देखोगे तो ठीक है अगर शब्द देखोगे तो समझ आएगा अगर आप रट्टाफिकेशन वाली थ्योरी पे चल रहे हो फिर बेटा कुछ नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है देखो पिन मनी अब आपसे पूछा पिन मनी जो ईडीएम है इसका मीनिंग क्या होगा तो बेटा पिन मनी मनी को क्या करनी है पिन लगा देनी है आपके पास पैसे हैं आपके पास दस रुपए का नोट है उस पे मैंने पिन पिन लगा दी अब पिन खाली नोट पे तो लगाऊंगा नहीं ओ शिकारियों खाली नोट पे तो पिन लगाऊंगा नहीं पिन लगाने के लिए एक नोट और जोड़ना पड़ेगा साथ में अब अकेला नोट है उस पर पिन लगा के मैं क्या करूं अकेले नोट पे थोड़ी पिन लगाऊंगा ठीक है तो इसलिए क्या करेंगे खाली नोट पे तो पिन लगेगी नहीं उसके साथ एक नोट और जोड़ना पड़ेगा फिर पिन लगेगी तो इसका मतलब मेरे पास एक नोट तो था एक नोट मैंने जोड़ दिया एक नोट मैंने जोड़ दिया तो मतलब क्या हुआ एडिशनल मनी मैंने ऐड कर दी मनी तो पिन मनी का मतलब क्या हुआ एडिशनल मनी बात ही खत्म होगी इसको कहते हैं लर्निंग इसको कहते हैं सीखना ठीक है एडिशनल मनी अब आपको कभी कभी कभी, कभी आप बूढ़े हो जाओ सौ साल के हो जाओ सौ साल के ऊपर हो जाओ आपसे किसी दिन भी किसी ने पूछ लिया बेटा पिन मनी का मतलब क्या होता है आप एक मिनट में तुरंत बता दोगे ऐसे कि सर पिन मनी का मतलब ये होता है इसको बोलते है सीखना ठीक है और अगर रट्टा मारोगे पिन मनी का मतलब एडिशनल मनी होता है पिन मनी का मतलब एडिशनल मनी होता है पिन मनी का मतलब एडिशन मनी होता है पिन मनी का मतलब एडिशनल मनी होता है हॉस्पिटल में बैठे होगे वहां भी ऐसे लगे होगे पिन मनी का मतलब एडिशन मनी होता है पिन मनी का मतलब एडिशनल मनी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा

उन डेली क्लास में मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूं कि बेटा पैसिव जब भी बनाना है आप सबसे पहले नोटिस कीजिए इस हेल्पिंग वर्ब को जब भी आपने पैसिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को ही नोटिस करें अब अगर मैं हेल्पिंग वर्ब ध्यान से देखूं तो कौन सी लगी है हैड लगी है और मुझे यह सिखाया गया है कि अगर एक्टिव में हैड लगा है तो पैसिव में भी हैड लगेगा अरे समझ आ रही है बात एक्टिव में हैड लगा है तो पैसिव में भी हैड लगेगा अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो हेड वाले ऑप्शन कितने हैं तो भाई ये रहा एक हेड वाला ऑप्शन ये रहा एक हेड वाला ऑप्शन एक ऑप्शन ये रहा हेड वाला तीन तो है लेकिन चौथा नहीं है तो पहले तो इसको बाहर करो इसका कोई काम नहीं है ठीक है भाई दूसरी बात अगर हम हु से क्वेश्चन बनाते हैं पैसिव तो बनता है बाय होम तो ये वाला हु वाला ऑप्शन भी बाहर करो इसका भी कोई काम नहीं है हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है तो इसका कोई काम नहीं है इन दोनों को करो बाहर अब बाय होम इसमें भी है बाय होम इसमें भी है इसमें पहले यू है इसमें पहले हैड है अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर लिखता हूँ अगर मैं कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखता हूँ तो उसके फॉर्मेशन के अंदर पहले हेल्पिंग वर्ब आती है या पहले सब्जेक्ट आता है बताओगे बच्चों एक बार अगर मैं कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखता हूं तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है या पहले सब्जेक्ट आता है क्या चीज़ पहले आती है बताना बेटा एक बार फटाफट से सभी बच्चे क्या चीज़ पहले आएगी और जो चीज़ पहले आएगी फिर उसी हिसाब से हम अपना आंसर डिसाइड कर लेंगे क्या आएगा पहले बताओ भी सभी कमेंट करके बताओ फटाफट एक मिनट में रुक जाता हूं पता होना चाहिए ना आपको क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी तभी फिर आप आगे बढ़ पाओगे आप देखो निशा ने गलत आंसर दिया है राजेंद्र कौर ने भी गलत आंसर दिया है रंजीत कौर ने सही आंसर दिया है सुमन शर्मा का आंसर भी गलत है ये छोटी छोटी चीजें तो बेटा काम आती हैं जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखने के लिए देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्वेश्चन जब हम लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं बच्चे हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो पहले हैड लिखा जाएगा फिर यू लिखा जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बी ऑप्शन ए भी गलत हो गया ए भी गलत हो गया बात समझ आ गई ऐसे करते हैं क्वेश्चन को अब आप कैसे करते हो मुझे नहीं पता लेकिन सही तरीका क्वेश्चन को करने का ये होता है इलेमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको कि चार ऑप्शन जो हमें दिए हैं इनमें से गलत गलत ऑप्शन हटाते जाओ अपने राइट right आंसर की तरफ आप चले जाओगे ठीक है अपने राइट आंसर की तरफ आप चले जाओगे और अगर आप अपना वही कि ठीक है बी लगा दे जय माता दी सी लगा दे जय माता दी उसी तरीके पे चल रहे हो फिर आपकी मर्जी है मैं तो बेटा बता सकता हूं सिर्फ ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं आ जाओ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो अब इसमें लिखा है हु टोर द कर अब पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है नहीं पहली बात तो ये कि ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब देख लो कौन सी है वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें दी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर दी है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी बेटा जब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने पर हम या तो लगाते हैं वाज़ या लगाते हैं वर अब वॉज या वर वाले ऑप्शन तो सारे के सारे हैं सिवाय इसके तो पहले तो इस डी ऑप्शन को बाहर कर दो कर दिया बाहर कर दिया जी सर अब मुझे बताइए कि अगर हम किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो पैसे बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और टोर की थर्ड फॉर्म क्या होती है तो देखो पहली फॉर्म होती है इसकी टियर सेकंड फॉर्म होती है इसकी टोर और थर्ड फॉर्म होती है इसकी टर्न ट ओ आर एन अब हमें पैसिव में कौन सी फॉर्म चाहिए हमें पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए और थर्ड फॉर्म सिर्फ कौन से ऑप्शन के अंदर है इस ऑप्शन के अंदर ठीक है इसको तो हमने पहली बार कर दिया था आर लगा हुआ था तो थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन आपके पास एक ही बचा है ये वाला तो राइट right आंसर हमारा क्या जाएगा? आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर बेटा सी आएगा अब रंजीत सॉरी कौन है दीपिका राठौड़ दस का बी आंसर कर रही है टीएड कोई फॉर्म नहीं होती है टीअर की थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न यहां लिख दी मैंने इसलिए टीयर फर्स्ट टॉर सेकंड टॉर्न थर्ड टीयर का मतलब होता है फाड़ना क्या होता है फाड़ना जब आप किसी पेज को फाड़ते हैं तो उसे बोलते हैं टीयर क्लियर है भाई कर्टेन्स को फाड़ो पेज को फाड़ो किसी को भी फाड़ो ठीक है बात समझ आ गई सभी को बताओ यहाँ तक की तो दस क्वेश्चन अभी तक मैंने आपके साथ मिलकर सॉल्व किए हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि भाई सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर ग्यारह में आपको करना था नरेशन चलो भाई नरेशन करके दिखा देते हैं आपको देखो अभी नरेशन जब करते हैं तो बेटा इसमें भी वही सेम चीज का ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब को पहले देख लेते हैं ठीक है अब देखो यहां लिखा है डो नॉट क्या लिखा है डो नॉट तो पहली बात तो ये देखो कि जब हम किसी को डो नॉट बोलते हैं तो इसका मतलब हम उसको मना कर रहे हैं और डो नॉट वाला जो सेंटेंस होगा ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ तो डो नॉट के लिए या तो हम लगा सकते हैं सजेस्टेड या हम लगा सकते हैं फोरबेट ठीक है टोल्ड या आस्केट ये दोनों ऑप्शन गलत है ना तो हमारा आंसर सी आएगा ना हमारा आंसर डी आएगा अब फॉरबेड का मतलब होता है मना करना ठीक है और सजेस्टेड का भी मतलब हो गया कि आप उसको सलाह दे रहे हो ये काम आपको नहीं करनी लेकिन देखो डो नॉट को जब हम लिखते हैं तो डो नॉट हट जाता है आपका और पहली बात तो डो नॉट का नॉट आ ही नहीं सकता डो नॉट का डिड नॉट होता तो भी मान लेते तो डो नॉट को डो नॉट लिखना तो गलत बात है क्योंकि आपका सेंटेंस चल रहा है पास्ट में आप नॉट कैसे लिख दोगे तो ये बात तो बिल्कुल गलत होगी तो इसलिए एक तो यह रीजन था दूसरा रीजन ये था कि यह जो सेंटेंस है यह इंपेरेटिव है इंपेरेटिव में कंजंक्शन दैट नहीं आता इंपेरेटिव में कंजंक्शन दैट नहीं आता इसको भी हटा दो तो इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया तो राइट right आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन वेरी गुड इवनिंग बेटा ठीक है राइट right आंसर आएगा बी ऑप्शन अब बी आपका कैसे आया मेरा कैसे आया वो मैटर करता है हो सकता है आपने भी बी आंसर किया हो मैंने भी बी आंसर किया हो लेकिन अप्रोच क्वेश्चन को करने की क्या होती है वो आपको जरूर समझना है ठीक है बच्चे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है देख सकते हैं आज देयर इज नो नीड फॉर यू टू बी सो एंग्री सैड मिसिज सेन टू हर हसबेंड मिसिज सेन आई एम रोहित सेन एंड यहां लिखा है मिसिस सेन तो मिसिज सेन क्या कह रही है मिसिज सेन कह रही है कि देर इज नो नीड फॉर यू टू बी अब देखो यहां पर आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन आपका सिंपल है सिंपल क्वेश्चन में दैट आता है टू नहीं आता इसको हटा दो बाहर हो जा भाई तू दैट के बाद में पहले सब्जेक्ट आता है नॉट नहीं आता इसको भी हटा दो बाहर हो जा भाई तू भी दैट के बाद में देर वाज देर वाज नो नो नीड नीड फॉर फॉर अब देखो यू को चेंज करोगे तो यू को जब आप चेंज करोगे तो क्या आएगा हिम आएगा है और वहां लिखा है एंग्री यहां लिखा है एंगर तो ये तो पहली बार हो गया आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन आंसर आएगा बेटा ए ऑप्शन हाँ जी फॉरबेट का मतलब मना करना होता है करो करो भी लाइक करो फटाफट से जो जो वीडियो देख रहे हैं फटाफट से लाइक करते जाओ हाँ इतने सारे लोग देख रहे हो लाइक अभी इतने ही है करो लाइक फटाफट से वीडियो को लाइक में कंजूसी मत किया करो यार मैं गलत पढ़ा दूंगा फिर देखो कुछ ना कुछ आपको बीच में और पेपर में गलत हो जाएगा फिर क्वेश्चन आपका कर दो कर दो लाइक करो फटाफट से चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन आर्म्स यूनिट वॉज डैश बाय पुलिस देखो तीन तो लोग गिरफ्तार कर लिए और एक इन आर्म यूनिट को क्या किया गया रिवील किया गया सर्च किया गया सर्च किया गया डिस्कवर किया गया या बस्टेड किया गया तो देखो किसी भी आम यूनिट को पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा डिस्कवर किया जाएगा क्या किया जाएगा डिस्कवर तो यहां जो आपका राइट right आंसर आएगा बच्चे वो आएगा डिस्कवर्ड ठीक है कोई चीज पहले से अगर एग्जिस्ट हो और हम उसका पता लगाएं तो उसको बोलते हैं डिस्कवर करना ओके अगला क्वेश्चन है अ वूमेन गोट इन टू द कार एंड डैश अब एक वुमेन जो थी वो कार में बैठी और हवा हवाई हो गई तो हवा हवाई को ब्रोकडाउन तो कहेंगे नहीं ब्रोकडाउन का मतलब किसी मशीनरी का खराब होना होता है किसी मशीनरी का खराब होना या किसी चीज का टूटना हो गया रोड इन का मतलब भी नहीं होगा ड्रॉव इन भी नहीं होगा तो इसका मतलब वो कार में बैठी और वहां से ड्रॉव ऑफ हो गई ठीक है भाई कार में बैठी और वहां से क्या हो गई ड्रॉव ऑफ हो गई ड्रॉप ऑफ मतलब निकल पड़ी ठीक है बच्चों तो ये दो क्वेश्चन थे आपके फिलअप्स के ठीक है टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे फोर्टीन अब आ जाओ सबसे खतरनाक क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर पंद्रह ये जो क्वेश्चन है ये देखो अभी जितने भी हमारे पी एस पी एस एल के एग्जाम हुए सभी सभी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ठीक है यानी इसको बोलते हैं हम पी क्यू आर एस का क्वेश्चन पैरा जंबल का क्वेश्चन अब एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें फर्स्ट लाइन हमें ऑलरेडी दे रखी है सिक्स नंबर लाइन ऑलरेडी दे रखी है हमें ये बीच की जो चार लाइनें हैं इनको अरेंज करना है पी क्यू आर एस इसको हमें अरेंज करना है अब इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं ठीक है हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं क्या लिखा है भाई ओलिवर डोज ऑफ अगेन एंड इट हैज बीन ब्राइट डे फॉर आवर्स वैन ओलिवर ओपन हिज आईज अब ये जो ओलिवर है ये किसी बंदे का नाम है किसी इंसान का नेम है अब अगर हम इंसान की बात कर रहे हैं तो भाई उसी के बारे में आगे बात की जाएगी तो उसी के बारे में अगर बात की जाएगी तो उसके बारे में बात करने के लिए हमें प्रोनाउन ही लगाना पड़ेगा या तो ये स्टार्ट होगा पी से या ये लाइन स्टार्ट होगी आर से क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओलीवर के बारे में और ओलीवर के बारे में अगर हम दोबारा से बात करेंगे तो फिर ही लगा के ही बात की जा जाएगी अब या तो ये लाइन आएगी पी या फिर आएगी आर ठीक है पी में लिखा है ही बिलोंग टू द वर्ल्ड अगेन अगेन ही फेल्ट चेयरफुल एंड हैप्पी तो भाई ही बिलोंग टू दर्ल्ड अगेन ये तो कोई बात जची नहीं इस लाइन के साथ इसको हटा दो तो स्टार्ट किससे होगा से. से. से स्टार्ट किस से आर से. आर से स्टार्ट किससे होगा? अब होने वाले ऑप्शन देख लो कितने हैं आपके पास एक ही ऑप्शन है तो राइट आंसर आएगा आपका बी आर एस पी क्यू क्या आएगा राइट आंसर राइट आंसर दीपिका राठौड़ ए नहीं आएगा राइट right आंसर इसका आएगा आर से स्टार्ट होगा आर एस पी क्यू ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलो एक मिनट का टाइम मैं आप सभी को दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर सोलह का आंसर आप मुझे मैसेज करके बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर सोलह के लिए सही अरेंजमेंट क्या होगा सभी ने आंसर करना है जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना भाई सब ने आंसर करना है एक बार देखना चाहता हूं कितने लोग सही करते हैं करो बेटा सोलह नंबर क्वेश्चन का सही अरेंजमेंट बताइए क्या बनेगा मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं लाइन कट हो रही है वहां पे लीजिए करो इसका स्टोरी टाइप है स्टोरी टाइप है बेटा करके दिखाओ सभी जितने भी लोग क्लास देख रहे हो क्लास को लाइक करते जाओ जल्दी से जल्दी लाइक कर दो शेयर कर दो और जो लोग लाइक like, शेयर दोनों कर चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैसेज कर दो जल्दी से बताओ सोलह लिख के आंसर करो इसका आंसर क्या आएगा पी क्यू आर एस बनेगा क्यू एस आरपी बनेगा आर एस क्यूपी बनेगा पीएस क्यू आर बनेगा जल्दी से बताओ सभी बच्चे बताओ जल्दी से लो जी दीपिका राठौड़ का आंसर आया है सी एक आंसर आ चुका है राजेंद्र कौर का भी आंसर सी है निकिता बंसल का बी है कविता का सी है मनीष का सी है वेरी गुड सभी बच्चे करो फटाफट से कमेंट करो जल्दी से क्या आंसर आएगा राजेंद्र कौर बी ये क्या राजेंद्र कौर पहले सी कह रही थी ये बी कह रही थी दो राजेंद्र कौर है जस सैनी कह रहे हैं सी आएगा संजीव सचदेवा जी कह रहे हैं सी आएगा अमनदीप कौर कह रही है बी आएगा तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी आंसर बिल्कुल सही है जिन बच्चों ने सी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है बी वाला आंसर गलत है सोलह नंबर क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल सही है स्टोरी टाइप था इसको पढ़ के देखना बहुत ईजी था ठीक है भाई चलो फिर कुछ बच्चों के आंसर लगातार गलत हो रहे हैं बेटा अपने बेसिक्स को सुधारो बेसिक्स पे थोड़ी पकड़ बनाओ अपनी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन और एटीन इन दोनों क्वेश्चन पे निगाह डालते हैं ये हमारे क्वेश्चन हैं बेटा कॉमन एरर के कॉमन एरर के ठीक है अब देखो क्वेश्चन लिखा क्या है आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर लंच मैं इंतजार करूंगा कब तक जब तक तुम अपना लंच फिनिश करते हो तो देखो दोनों सेंटेंस हमें फ्यूचर में दे रखे हैं दोनों सेंटेंस हमें फ्यूचर में दे रखे हैं तो दोनों सेंटेंस फ्यूचर में कभी भी नहीं हो सकते तो दोनों सेंटेंस अगर फ्यूचर में नहीं हो सकते तो एक को सिंपल प्रेजेंट में होना पड़ेगा एक को सिंपल फ्यूचर में होना पड़ेगा लेकिन दिक्कत यह है परेशानी यह है कि कौन सा प्रेजेंट में होगा कौन सा फ्यूचर में होगा ये हमें कैसे पता चले हम ठहरे नादान बच्चे हमें कैसे पता चलेगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह देखना है कि सेंटेंस में कंडीशन कौन सी है और इस सेंटेंस के अंदर रिजल्ट कौन सा है मैं आपका इंतजार करूंगा मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक आप लंच करोगे तो जब तक लंच करोगे ये कंडीशन है और मैं आपका इंतजार करूंगा ये रिजल्ट है तो याद रखना कंडीशन वाला सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखा जाता कंडीशन वाला सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखा जाता तो ये जो विल लगा है इसको हटाएंगे तो बी ऑप्शन आपका एरर वाला पार्ट हो जाएगा ठीक है भाई टिल यू फिनिश वेरी गुड निकिता बंसल बिल्कुल सही बताया आपने तो टिल टिल यू फिनिश तो विल हटाएंगे यहां से क्योंकि कंडीशन वाले पार्ट को कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाता अगला क्वेश्चन है एटीन नंबर द प्राइज ऑफ कार हैव बीन रिसेंटली अब देखो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें लिखा है द प्राइज ऑफ कार तो बताओ हमारा सब्जेक्ट कौन सा है प्राइस या फिर कार बताओ एक बार हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है इसके अंदर प्राइस है या कार है जल्दी से बताओ 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 बेटा जल्दी बताओ प्राइस या कार अच्छी बात है मनीष सही होने चाहिए और सही होंगे तभी फायदा है है ना तो देखो यहाँ पे जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो है प्राइस ये ऑफ हमारा प्रेपजिशन होता है प्रेपजिशन के बाद जो कुछ भी लिखा है ये ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन है प्राइस अब प्राइस सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं क्या आएगा हैज आएगा हैव नहीं क्या आएगा हैज आएगा ठीक है सोशल नेटवर्किंग कार नहीं है मेन सब्जेक्ट आपका आपका मेन सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर प्राइज है ठीक है और प्राइज सिंगुलर है इसलिए हमने हैव की जगह क्या लगाना है हैज लगाना है ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19 में आपको बतानी थी इनकॉरिजेबल की सही स्पेलिंग क्या होगी तो बेटा इनकॉरिजेबल की सही स्पेलिंग होगी ये सी वाली इनकॉरिजेबल का मीनिंग होता है जिसके अंदर कोई करेक्शन ना की जा सके ठीक है आप ध्यान से मैंने सुना क्या बोला क्या बोला मैंने जिसमें कोई करेक्शन ना की जा सके तो देखो करेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है सी ओ डबल आर ई टी तो वही यहां पे सी ओ डबल आर आता है ठीक है सी ओ डबल आर आता है तो सी ओ डबल आर तो आ रहा है साथ में इन लगेगा इनकोरिजेबल तो ये वाली स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के अंदर सी स्पेलिंग सही है और इसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया जिसके अंदर कोई भी करेक्शन ना की जा सके अगला है कॉनेजियर की कौन सी स्पेलिंग सही है तो इसकी स्पेलिंग सही है बेटा डी वाली ये वाली इसका मतलब होता है पारखी अगर किसी बंदे को आर्ट्स की अच्छी नॉलेज है किसी को म्यूजिक की अच्छी नॉलेज है और वो किसी की परख देख सकता है कि इस बंदे को अच्छी नॉलेज है तो उसे बोलते हैं कॉनेजियर ठीक है आर्ट के लिए भी हो सकती है किसी म्यूजिक के लिए भी हो सकती है किसी भी चीज के लिए हो सकती है उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा ट्वेंटी वन से लेकर ट्वेंटी फाइव तक ये क्लोज टेस्ट है बेटा इसको ध्यान से देखना वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ एशिया श्रीनगर इज नॉन फॉर इट्स यूनिक वुडन आर्किटेक्चर कहता है कि जो हमारी एशियन सिटीज हैं उनके अंदर श्रीनगर जो है वो काफी ज्यादा यूनिक है अपने वुडन आर्किटेक्चर को लेकर यानी लकड़ी से बने हुए जो घर हैं उनको लेकर काफी ज्यादा यूनिक है ठीक है फिर लिखा है इट्स डैश नेटवर्क ऑफ

मल्टी स्टोरी वुडन हाउसेज हैं मल्टी स्टोरी मतलब एक स्टोरी दो स्टोरी ऊपर बने हुए हैं लकड़ी के घर बने हुए हैं डैश आउट इट्स वाटरवेज ठीक है और इनके सबके जो वाटरवेज है वो बाहर की तरफ खुलते हैं ओपनिंग आउट इट्स वाटरवेज यानी जो घर का पानी है वो सारा का सारा बाहर की तरफ जाता है ये चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो ना ये आपने कभी ना कभी हिस्ट्री के अंदर पढ़ी होंगी जब आप इंडोज वैलीज सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि वहां के उस टाइम के जो घर थे उनके लकड़ियों की नालियां बनी होती थी घर का पानी सारा का सारा बाहर जाता था कुछ ऐसे घरों के बारे में आपको बताया गया होगा हिस्ट्री की क्लास में ठीक है तो अब बात करें मेक इट लुक लाइक मिडीवियल इस्लामिक डैश सेंटर अब मुझे एक बात बताओ कि जिनके घर में नालियां बनी हैं जिनके घर में नालियां बनी है जिनके घर का पानी बाहर जाता है जिनको अच्छी समझ है तो क्या वो लोग अर्बन होंगे या रूरल होंगे कैसे लोग होंगे तो ये बात पढ़ने से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि सर वो रूरल तो हो नहीं सकते वो विलेज एरिया से तो हो नहीं सकते तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो कंट्री का कोई काम नहीं है तो ऐसी जगह कौन सी हो सकती है अर्बन हो सकती है शहरी हो सकती है ठीक है क्या आएगा इसके अंदर अर्बन नैरो का मतलब पतला होता है बेटा नैरो पतला ठीक है जिसमें स्पेस कम हो उसको नैरो बोलते हैं द लार्ज स्केल डिमोलिशन लार्ज स्केल डिमोलिशन का मतलब खत्म हो जाना किसी चीज का ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग वहां बनी हुई थी पुरानी या बाजार जो था वो डिमोलिशन हो गया इन द क्वेस्ट फॉर मॉडर्निटी कि ज्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में ज्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में वो सारी चीजें क्या हो गई नष्ट हो गई इन द क्वेस्ट क्वेस्ट का मतलब होता है खोज उसकी पाने की इच्छा रखना किसी चीज को इन द क्वेस्ट ठीक है और लास्ट आ जाएगा हाउ एवर लेट टू देयर डिसअपीरेंस और इसी वजह से वो क्या हो गई डिसियर हो गई गायब हो गई सभ्यता खत्म होगी पूरी की पूरी ठीक है बच्चों तो ये थी आज की हमारी क्लास और आज की क्लास के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एक बार फटाफट से बता दो भाई क्लास आपको कैसी लगी क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से और कितने लोगों ने टेस्ट दिया था पहले ये भी बताना मुझे बताओ भी फटाफट से बताओ क्लास कैसी लगी आपको आज की थैंक यू बेटा रजनी चलो क्लास तो आपको सबको अच्छी लगती है लेकिन कमेंट आप कोई भी नहीं करते हो है ना क्लास खत्म होने के बाद कमेंट किया करो ताकि बाकी बच्चे जो क्लास को बाद में देखते हैं उन्हें पता लगे कि इस क्लास के अंदर है क्या एक्चुअली है ना कुछ लोग बाहर से देख लेते हैं यार टेस्ट डिस्कशन है चल छोड़ भी क्या करना है ना हाँ बिल्कुल बेटा प्रेपोजिशन ऐड कर देंगे इसके अंदर टेस्ट के अंदर कल से हम क्लोज टेस्ट को हटा कर प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चन डालते हैं ठीक है और आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगती है तो बेटा इस क्लास को आप क्लास ख़त्म होने के बाद भी शेयर कर दिया करो ठीक है लाइक तो कर ही दिया आपने शेयर आप बाद में भी कर दिया करो बेटा डेली क्लास होती है सात सॉरी नौ बजकर दस मिनट पे ठीक है नौ बजकर दस मिनट पे आपकी क्लास होती है निकिता बंसल कह रहे हैं कि सर आई अटेंडेड योर क्लास फर्स्ट टाइम कहाँ से हो बेटा निकिता बंसल आप और कहां से कोचिंग ले रहे हो आप थैंक यू बेटा रजनी निकिता जी कहां से हो आप कहाँ से कोचिंग ले रहे हो बताओगे एक बार ठीक है बच्चों सभी शेयर कर देना क्लास को और कमेंट बॉक्स में जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद कमेंट में जाकर कमेंट जरूर करना जो भी आप फील करते हो जो भी आपको लगता है जो भी आप सजेशन देना चाहते हो किसी तरीके का तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो सर प्री पी ट्रिप्लस में पोस्ट आएगी क्या बिल्कुल आएगी बेटा पेपर है ना हाँ सात बजे का टाइम चेंज हो गया नौ बजकर दस मिनट पर क्लास होती है अब नौ बजकर दस मिनट पर बठिंडा से ही हैं ठीक है चलो फिर मिलते हैं आपसे कल नौ बजकर दस मिनट पे ओके जी बाय बाय पंद्रह और सोलह नंबर क्वेश्चन जो था बेटा पंद्रह और सोलह नंबर जो क्वेश्चन था इसको पैरा जंबल बोलते हैं पैरा जंबल भी कह सकते हो इसको या फिर इसको आप रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं ठीक है रीअरेंजमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं ओके बेटा फटाफट कर देना शेयर इसको मिलते हैं कल नौ बज के दस मिनट पर